Hi, hello, welcome to Unacademy Foundation channel. Welcome to 9th Live Daily. So as you know that we are doing surface area and volume. So मेरे सारे बच्चे I hope बहुत अच्छे से होंगे और सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि this is the one of the important topic जो कि आप आगे की क्लासेस तक पढ़ते हो. Like आप 9th में पढ़ रहे हो, then 10th में भी पढ़ोगे. So ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होगा. So अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपको जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी, जब तक आप स्टडीज करोगे, तब तक ये सारे के सारे फॉर्मूले काम आएंगे. और ये सारे फॉर्मूले आपको रियल लाइफ में भी बहुत इनका एप्लीकेशन होता है. ओके, सो चलो स्टार्ट कर देते हैं. बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय टीम. सीमा मैम इज टेकिंग फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑन अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल. अब यह हैव अ यूट्यूब चैनल एज यू नो. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड विंध्या मैम इज टेकिंग फॉर बायोलॉजी एंड आई एम टेकिंग फॉर मैथमेटिक्स एज वेल एज मेंटल एबिलिटी ऑन अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल. सो अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज द टाइम टेबल. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट आपको क्या पता रहेगा कि हमारे किस टाइमिंग पे क्लासेस आते हैं. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेगुलरली हमारे किस टाइमिंग पे क्लासेस आ रहे हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि अब ये है कि आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू. अनअकैडमी फाउंडेशन इज का एक टेलीग्राम पे ग्रुप है. टेलीग्राम इज एन ऐप. जस्ट डाउनलोड दैट ऐप इन योर फोन, देन गो टू द ब्राउजर एंड टाइप दिस लिंक देयर, tinyurl.com/unacademyfoundation इन स्मॉल लेटर्स. जैसे ही आप ये लिंक टाइप करोगे आप अनअकैडमी फाउंडेशन ग्रुप से कनेक्ट हो जाओगे. आपके फाउंडेशन चैनल के सारे एजुकेटर्स वहां पे हैं. आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो. अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई सजेशन लेना है, किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट पूछना है, सो ये सारे काम आप वहां पे कर सकते हो. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत सारे बच्चे वहां पे कनेक्ट हो रहे हैं. 500 प्लस स्टूडेंट की का वहां पे एक ग्रुप बन गया है. तो आप भी जल्दी से कनेक्ट हो जाओ. बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से डाउट पूछते हैं. ओके, सो चलो अभी आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द वन मोर थिंग अबाउट वन मोर थिंग दैट आपको पता ही कि दैट वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन यूट्यूब, क्योंकि हमारा मेन एम यही है कि सारा इंडिया पढ़ेगा आगे बढ़ेगा. द मेन एम ऑफ अनअकैडमी, सारा इंडिया पढ़ेगा आगे बढ़ेगा. और अनअकैडमी एक ह्यूज वेव की तरह आगे बढ़ रहा है, अनस्टॉपेबल है आप लोगों के लिए. आप लोग समझिए इस बात को. क्या अभी अगर आपको चाहते हो कि आप पर्सनलाइज वे में हमसे पढ़ो, लाइक वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एजुकेटर से पर्सनलाइज में भी पढ़ो, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ो, है ना, तो और आप चाहते हो कि आप क्या रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो, तो आपको करना क्या है, जस्ट एक्सप्लोर द प्लस प्लेटफॉर्म. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस प्लेटफॉर्म, जो सबकी सारी बातें मैंने अभी बताई हैं वो सारे हैं वहां पे. बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, उनके कोर्सेज हैं, टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज है. सो आप उनके कोर्सेज में एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल टाइम, वेरियस टाइम एक्सेस कर सकते हो. कोई क्लास अगर मिस हो गई है तो क्लास वहां पे रहेगी, आप उसको बाद में भी देख सकते हो. पर्सनलाइज वे में पढ़ सकते हो, रेगुलर बेसिस पे अपने डाउट क्लियर करा सकते हो. सो कैसे करोगे, जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड इंस्टॉल दैट ऐप इन योर फोन. सो वन मोर थिंग दैट अनअकैडमी लर्निंग ऐप इज अ टॉप ट्रेंडिंग ऐप नाउअडेज. आपको पता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आप लोगों ने ही इसको बनाया है, क्योंकि ओके, सो वंस यू इंस्टॉल दैट ऐप इन योर फोन देन क्लिक ऑन द प्लस. प्लस पे क्लिक करना मत भूलना. देन क्लिक प्लस पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट योर कैटेगरी हेयर. आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को सिलेक्ट करो. बट यू आर इन 9th एंड 10th, एज यू आर इन 9th एंड 10th, सो कैटेगरी इज फाउंडेशन एंड NTSC. सो अगर आपको लगता है कि आप 9th 10th में हो और आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, सो यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट योर कैटेगरी जिस एग्जाम के लिए आप फर्दर प्रिपेयर करना चाहते हो. लाइक अगर आप IIT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो IIT JEE इज योर कैटेगरी. अगर आप आगे जाके नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो नीट एंड एम्स इज योर कैटेगरी. जो कैटेगरी के लिए आप फर्दर प्रिपेयर करना चाहते हो, जस्ट सिलेक्ट योर कैटेगरी देयर एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन. सो वंस यू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन, सो देयर आर वन मोर थिंग दैट देयर आर वेरियस प्लान. यू कैन गो विद एनी वन, बट वी रिकमेंड दैट इफ आर इन 10th क्लास गो फॉर 12 एंड इफ आर इन 9th क्लास गो फॉर 24 मंथ, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी वेरी अफोर्डेबल. एंड देयर इज अ प्लस थिंग फ्रॉम आवर साइड टू यू दैट डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन लाइव कोड. Because this is a love from our team to you. हमारी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए प्यार है. और इस प्यार के साथ साथ आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट भी. You'll get the 10% discount as well. So after discount, these will be the prices for the 12 and 24 month. If you are taking for the 24 month, then 1000 something for every month. That is 1000 rupees something for a month for all the subjects, for all the top educators, सबके लिए. And if you are thinking for the 12 month, then 1300 something for a month. Okay? So this is very affordable. But don't forget to apply foundation life code. So you'll get the 10% discount as well. और हमें भी पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा है जिसने हमारे through यहाँ पे आया है. So हम उसको थोड़ा personalized way में और पढ़ा पाते हैं. Clear to everyone? So this is the thing. जिन जिन
चीजों के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो. सो एज यू नो दैट हम लोग कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो चलो एक दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, सबसे पहले उन क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं. सो दिस वन इज द क्वेश्चन. अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैज अ डायमेंशन 240 मीटर इंटू 180 मीटर. अ ड्रिल लेट 10 मीटर वाइड इज डग ऑल अराउंड ऑन द आउटसाइड एंड द अर्थ डग आउट इज इवनली स्प्रेड over the plot, increasing its surface area by 25 centimeter. Find the depth of the drillet. Okay. So, कह रहा है कि एक plot है, dimension 240 meters and 180 meters है. इसके चारों तरफ एक drillet बनाया गया है, dug out किया गया है. और यहां से जो मिट्टी निकाली गई है वो इसके ऊपर इवनली स्प्रेड की गई है. बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से अगर आप समझ पाओगे तो कर लोगे. तो अब बेटा जब ये ड्रेनलेट खोदा गया है और यहां से जो मिट्टी निकाली गई वो यहां स्प्रेड की गई है, तो अब हम क्या करते हैं, वो वॉल्यूम निकाल लेते हैं जो कि डग आउट करके बाहर निकाला गया है. भाई जितना पोर्शन आप निकालोगे मिट्टी का वही तो स्प्रेड करोगे इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के ऊपर. सो यही कह रहा है कि यहां से डग आउट करके इसके ऊपर स्प्रेड किया गया है. तो अब आपको पता है कि क्या कह रहा है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द ड्रिनलेट. ओके, सो अगर मैं इस ड्रिनलेट की बात करूं तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 240, और ये आपकी जो वाइड है ये 10 है क्योंकि 10 मीटर वाइड किया गया है, तो हो जाएगा 240 प्लस 20. सिमिलरली ये ब्रिथ कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी आपकी 180 प्लस 20. सिमिलरली इधर भी वो सेम है, रेक्टेंगुलर है ना. अब डेप्थ तो मुझे पता नहीं है, लेंथ और ब्रेथ तो मुझे पता चल चुकी है, तो हम डेप्थ एक्स लेट कर लेते हैं. क्या कहते हो, तो लेट द डेप्थ ऑफ ड्रेन लेट. तो अब देखना, अब अगर ये अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं तो इसको जब ये तो 2D में आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूं, जब इसको डग आउट करोगे तो अंदर ये एक क्यूबॉइड फॉर्म बनाएगा, अंदर एक क्यूबॉइड बनाएगा क्योंकि उसमें कुछ हाइट भी होगी, वो हाइट ये डेप्थ होगी. ठीक है, लेट द डेप्थ ड्रेनलेट इज एक्स मीटर्स. तो अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट लिखूं, मतलब ये जो मिट्टी बाहर निकाली अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखूं, तो ये है 2860 प्लस विड्थ है इसकी कितनी, इसकी जो अगर मैं विड्थ की बात करूं, ये विड्थ की बात करूं तो ये 10 है, और इसकी डेप्थ कितनी हो गई है एक्स. तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट सिमिलरली जब इसकी लिखोगे, जब इधर की लिखोगे, ये सारी वॉल्यूम जब आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी जो अर्थ डग आउट हुई है वो. ठीक है, सो हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल्स टू LBH, क्योंकि अब ये क्यूबॉइड बनाएगा तो बनेगा 260 इंटू 10 इंटू एक्स. एक तो ये बन गया, सिमिलरली इधर ही इधर भी इतने का ही होगा, तो ये इसका मतलब मैं यहां पे इसको ट्वाइस कर देती हूं क्योंकि इधर भी जितना है उधर ही उतना है. अब इसकी बात आएगी तो अगर आपको इसकी बात करनी है तो मेरी बात सुनो. अगर ये आपने इस पूरे का जब आप वॉल्यूम निकाल चुके हो तो अब इसको दोबारा थोड़ी ना काउंट करेंगे, तो अब मैं इतने का वॉल्यूम निकालूंगी. तो इसके लिए भी विड्थ 10 है और आपकी जो लेंथ है वो आपकी लेंथ आ रही है 180, और इधर भी जितना है उधर इतना भी, इधर भी इतना ही है ये वाला, क्योंकि ये पूरा आप निकाल चुके हो अर्थ डग आउट, और ये पूरा आप अर्थ डग आउट निकाल चुके हो यहां से ट्वाइस करके. तो इधर मैं लिख देती हूं 2 × 180 × 10 × x, तो ये आ जाएगा वो वॉल्यूम जो कि डग आउट करके निकाला गया है. समझ रहे हो, तो यहां से ये मेरे पास, इसको अगर मैं बाहर करूं तो मेरे पास यहां से 20x कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 260 प्लस 180, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 20x इंटू ये बन रहा है आपके पास 4 और ये बन रहा है आपके पास 4, तो ये बन रहा है आपके पास 880x मीटर क्यूब. तो ये वो वॉल्यूम है मिट्टी का जो कि डग आउट करके बाहर निकाला गया है. अब वो मिट्टी जो निकाली गई है वो इस प्लॉट के ऊपर स्प्रेड कर दी गई है. अब कह रहा है कि जो प्लॉट के ऊपर स्प्रेड की गई, तो जो प्लॉट की हाइट थी, रेक्टेंगुलर प्लॉट की हाइट थी वो 25 सेंटीमीटर बढ़ गई, सरफेस लेवल बाय 25 सेंटीमीटर. तो अब जब इसके ऊपर जो मिट्टी स्प्रेड की गई होगी, तो अब इसकी लेंथ है 240, विड्थ है 180 और हाइट हो गई 25 सेंटीमीटर, तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो वॉल्यूम इक्वल होगा इसी वॉल्यूम के लिए, क्योंकि जो मिट्टी स्प्रेड की गई है वो तो यही है ना. सो
अब हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ प्लॉट आफ्टर स्प्रेडिंग द अर्थ डग आउट. तो कितना आ जाएगा, लेंथ है इसकी 240, 180 और विड्थ कितनी है 25, यानी कि 25/100 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं. तो अब देखो ये वो वॉल्यूम निकल के आया है जो वॉल्यूम इसके ऊपर मिट्टी स्प्रेड करने के बाद बना होगा, जो कि इसके ऊपर मिट्टी स्प्रेड करने के बाद बना होगा. समझ में आ रही है बात. सो क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसके लिए वॉल्यूम निकालिए. तो अब मैं इन दोनों वॉल्यूम्स को करा देती हूँ इक्वेट. तो जब मैं इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट कराऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 8800x इज इक्वल्स टू, क्योंकि जो मिट्टी निकाली है वही तो स्प्रेड की गई है. सो 240 इंटू 180 इंटू 25/100. सो ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे यहां से. तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 18 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100 कर देती हूं, तो ये बन जाएगा. सो x आ रहा है आपके पास 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 88. x की वैल्यू आ रही है 27/22 मीटर्स. अब आपको डिवाइड कर देना है. तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो जब 27 को डिवाइड करेंगे तो बन जा 1.22 मीटर्स आ रही है. सो ये आपकी आ रही है क्या, x की वैल्यू, यानी कि इतना मीटर डग आउट किया गया है, तब जो मिट्टी निकल के आएगी उसको जब स्प्रेड करोगे तो 25 सेंटीमीटर विड्थ उस प्लॉट की लेंथ की बढ़ जाएगी. समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. सिंपल, मैंने इसका वॉल्यूम निकाला, इसके वॉल्यूम को मैंने इसके जो मिट्टी निकाली उसको इसके ऊपर स्प्रेड किया, तो ये जो वॉल्यूम निकाला था वो जो मिट्टी निकाली थी उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि जो मिट्टी स्प्रेड की गई है वो तो सेम ही है. क्लियर टू एवरीवन? चलो, सो विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अ मेटालिक शीट ऑफ इज ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप विद डायमेंशन दिस एंड दिस. From each of the corner, a square of this centimeter is cut off. An open box is made of the remaining sheet. Find the volume of the box. तो एक sheet है, rectangular sheet है. इसके corner से एक 8 centimeter के cut off कर लिए गए हैं. अगर ये 48 है और ये आपका कितना है 36 सेंटीमीटर, तो आप कह रहा है कि कट करने के बाद इसको ऐसे बॉक्स बना दिया गया है, तो उस बॉक्स का आपको वॉल्यूम बताना है. तो आप ध्यान से सुनना, अगर जब इसको बॉक्स बनाओगे तो यहां से उठा के ऐसे इसको फोल्ड करोगे, समझ रहे हो, यहां से उठा के जब इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये इसकी हाइट बन जाएगी और ये इसकी लेंथ हो जाएगी, क्योंकि बॉक्स में ये ऐसे फोल्ड होंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी 48 - 8 - 8, समझ रहे हो. सो जो इसकी लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 48 - 8 - 8, क्योंकि दोनों तरफ से अब 8 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 32 सेंटीमीटर. अब जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी, इसकी 36 - 8 - 8, यानी कि बन जाएगा ये 20 सेंटीमीटर. और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यही इसी को तो ऐसे उठा के बॉक्स बनाओगे. तो अब आपको निकालना है वॉल्यूम. वॉल्यूम होता है LBH, यानी कि 32 × 20 × 8. इतना क्या आ रहा है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम जो कि आपको निकालना था, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालना था. तो आपने लेंथ और ब्रेथ कैसे निकाली, बॉक्स बनाया तो यहां से जब कट आउट किए तो ये आपकी, इसको जब आप ऐसे करोगे तो ये बॉक्स बन जाएगा, तो उस केस में हाइट ये आएगी
ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी. क्लियर टू एवरीवन? चलो, सो वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक और अच्छा क्वेश्चन है. एन एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, अ पिट ऑफ 6 मीटर लॉन्ग, दिस मीटर वाइड एंड दिस मीटर डीप इज डग इन अ कॉर्नर. इससे पहले से पहले क्वेश्चन जो किया था उसमें चारों तरफ डग आउट किया गया था और फिर स्प्रेड किया गया था. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉर्नर पे एक कट किया गया है, उसकी डायमेंशन दी गई है और जो मिट्टी निकाली गई है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दी गई है ओवर. ठीक है, फाइंड द एक्सटेंट टू विच द लेवल ऑफ द फील्ड हैज बीन रेज्ड. इस बार आपको हाइट पूछी गई है. क्लियर? तो देखो, ये अगर एक फील्ड है, इसकी डायमेंशन दी गई है 20 मीटर वाइड एंड 14 मीटर ये दिया गया है, लेंथ एंड 14 मीटर वाइड. अब क्या कह रहा है, एक 6 मीटर लॉन्ग यहां कॉर्नर पे एक डग आउट किया गया है. एक कॉर्नर पे डग आउट किया गया है, कितना? 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप. तो वॉल्यूम जो डग आउट निकलेगा उसका निकाल देते हैं. तो अर्थ टेकन आउट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 6 × 3 × 2.5 मीटर क्यूब. अब यही वॉल्यूम तो ओवरऑल इस पे स्प्रेड किया गया होगा, समझ रहे हो? यही वॉल्यूम तो ओवरऑल इस पे स्प्रेड किया गया. लेकिन अब जब स्प्रेड किया गया होगा तो इस पोर्शन पे स्प्रेड थोड़ी ना किया गया होगा, समझ रहे हो? तो अब वो वॉल्यूम निकालना है जो कि ये है. तो ये वॉल्यूम आपको हटा देना है, एक्चुअल में इतना आपको ये वॉल्यूम नहीं, ये एरिया हटा देना है. तो मैं लिख लेती हूं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ फील्ड एक्सक्लूडिंग दैट, हाँ, द फील्ड डीप इज डग, अच्छा, एक्सक्लूडिंग दैट पिट, उस पिट को छोड़ के जो आएगा सरफेस एरिया वो लिख देते हैं. तो वो कितना आ जाएगा? 20 × 14 − 6 × 3. मतलब इसके सरफेस एरिया से इस सरफेस एरिया को हटा दो तो ये जो अंदर का सरफेस एरिया ये आपके पास आ जाएगा. तो यहां से अब मेरे पास बन जाएगा ये बन जाएगा मेरे पास कितना? 280 − 18, यानी कि 2, और ये बन रहा है मेरे पास 7, यानी कि 6, 262 cm². अब ये सरफेस एरिया आया है जहां पे मिट्टी स्प्रेड होगी. तो अगर आपको वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम होता क्या? LBH, यानी कि सरफेस एरिया इनटू हाइट. तो अब जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ द फील्ड जिस पे मिट्टी स्प्रेड हुई है, वॉल्यूम ऑफ फील्ड विल बी 262 × x. लेट सपोज जिस हाइट तक वो रेज हुई है वो x है, ठीक है? लेट सपोज जिस हाइट तक वो रेज हुई है वो x है. तो अब ये आ गया मीटर क्यूब. अब ये वॉल्यूम इसी वॉल्यूम के इक्वल होगा जो वहां पे आया था, क्योंकि वही मिट्टी तो इसके ऊपर स्प्रेड की गई है. तो हम क्या कर लेते हैं, इस मिट्टी को, इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से इक्वेट करा देते हैं. तो आपके पास आ जाएगा 262 × x इज इक्वल टू 6 × 3 × 2.5. सो यहां से, अच्छा, सब कुछ मीटर में ही था, कुछ सेंटीमीटर में तो नहीं था? नहीं था. तो एक्स मेरे पास आ जाएगा 6 × 3 × 2.5 / 262. ये बन रहा है. तो अगर मैं इससे कैंसिल करूंगी, नहीं, 3 से कैंसिल नहीं होगा, मैंने गलत कैंसिल कर दिया, रुक जाओ, इधर लिख देते हैं साफ साफ थोड़ा सा. ठीक है. सो मेरे पास जो x आएगा वो आएगा 6 × 3 × 2.5 / 262. तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूं तो मेरे पास ये आने वाला है कितना, ये मेरे पास आने वाला है 9 × 2.5 / 262. ठीक है. अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा. ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 220. मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग सा है, एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ. इधर वॉल्यूम 6 × 3
सिक्स इंटू थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव आ रहा है, ठीक है. डीप इज डग आउट, ठीक है. तो यहां से आएगा सिक्स इंटू थ्री, टू से कैंसिल किया है, 131. अच्छा ठीक है, ये 131 है, वही मैं कहूं ये 131 है ना कि 262, ठीक है. अब आपको इसको डिवाइड कर देना है. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 22.5 को 131 से, तो देख लेते हैं कितना आएगा. 22.5 को 131 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां आएगा सबसे पहले, तो यहां पे सबसे पहले तो ये डेसिमल है, तो इसको हटा के यहां 1/10 कर लेते हैं पहले. तो डिवाइड कर लेते हैं 225 को पहले ही. तो जब हम, या तो पहले डेसिमल लगा लो, तो पहले डेसिमल लग जाएगा और नहीं, वन जा आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 131 और ये हो जाएगा 4 और ये बचेगा आपके पास कितना, ये बन जाएगा आपके पास 13 and 7 and 2, हाँ 7 and 2 9, ठीक है, समझ रहे हो, 94. डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो अब मेरे पास यहां क्या आना चाहिए, यहां पे देखते हैं हम. अगर तो अगर मैं करूं 6 जा, तो 6 7 आ जाएगा, 8 कर 7 जा करती हूं, 7 1 जा 7, हाँ 917. तो ये आ रहा है और डेसिमल में बढ़ता चला जाएगा, तो मैं इसको यही लिख देती हूं, यानी कि x आ रहा है 1.7 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.17 मीटर्स. यानी कि अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो भी कर सकती हूं 17 सेंटीमीटर. क्लियर टू एवरीवन? सो बहुत ही सिंपल था, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी देखनी थी. तो बहुत ध्यान से करने हैं ऐसे क्वेश्चंस. आपको अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो चाहे अर्थ डगआउट कहीं से भी करे, आप आसानी से कर लोगे. जैसे उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में अर्थ, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चारों तरफ किया तो मैंने चारों तरफ से जो वॉल्यूम निकाला अर्थ का, वो यहाँ पे 21 वॉल्यूम से इक्वेट कराया. इस बार एक कॉर्नर पे किया तो जो कॉर्नर से वॉल्यूम निकाला वो इस पे स्प्रेड किया है, तो ये वाला मुझे रिमूव करना पड़ेगा. तो इसके लिए मतलब ये सरफेस एरिया हटाना पड़ेगा, तो इस सरफेस एरिया को हटाने के लिए मैंने इस टोटल सरफेस एरिया से ये सरफेस एरिया हटा दिया, तो जो सरफेस एरिया आया वो मेरे पास ये आया. अब इस सरफेस एरिया पे टोटल आपको करना था जो वॉल्यूम स्प्रेड करना था वो. तो अगर ये इसकी लेंथ और सरफेस एरिया आपको पता चल चुका है, लेट द हाइट जितना ऊपर इंक्रीज हुआ होगा वो एक्स कर लिया हमने. सो जो वॉल्यूम निकल के आया उसको इक्वेट कराया इसी वॉल्यूम से, क्योंकि आफ्टर ऑल वही तो मिट्टी उसके ऊपर स्प्रेड की गई होगी. क्लियर टू एवरीवन? चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं. कह रहा है रेक्टेंगुलर रिजर्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर वाइड, एट व्हाट स्पीड पर आवर मस्ट वाटर फ्लो इनटू इट थ्रू अ स्क्वायर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर वाइड सो दैट द वॉटर राइजेस बाई 2.4 मीटर इन 18 आवर्स. अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आपसे स्पीड पूछी गई है, ठीक है. कह रहा है रेक्टेंगुलर रिजर्वायर इज 120 मीटर लॉन्ग एंड दिस मीटर वाइड, एट अब एक उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है लेकिन हाइट नहीं दे रखी है. अब जब उसमें पाइप से पानी जा रहा है तो पानी का लेवल 2.4 मीटर बढ़ गया, तो जब पानी का लेवल 2.4 मीटर बढ़ गया है तो अब वो जो शेप दिख रही होगी, वो जो शेप होगी वो एक क्यूबॉइड होगी जिसकी लेंथ 120 मीटर होगी, ब्रेथ 75 मीटर होगी और जिसकी हाइट होगी वो 2.4 मीटर होगी, क्योंकि पानी का ही सरफेस बनेगा पूरा, सिर्फ पानी ही पानी होगा चारों तरफ, वाटर लेंथ ब्रेथ उस रिजर्वायर में और साथ में हाइट, वो जो वाटर का लेवल जिस तक जितना हाइट वो इंक्रीज हुआ था, ठीक है. थोड़ा इमेजिन करो, एक रिजर्वायर एक टैंक है, उस टैंक में वाटर है, वाटर के लिए रिजर्वायर की लेंथ और ब्रेथ तो वही रहेगी लेकिन हाइट वो होगी जितना लेवल ऑफ वाटर उसमें इंक्रीज हुआ है. क्लियर? सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन रिजर्वायर, रिजर्वायर इन 18 आवर्स, 18 आवर्स में जो पानी उसमें गया होगा, उसमें जो पानी बना होगा 18 आवर्स में वो क्या बना होगा, 120 इंटू 75 इंटू 2.4 मीटर क्यूब, ये पानी उसके अंदर चला गया होगा और उसका अब वॉल्यूम इतना होगा जितना 18 आवर्स में उसमें पानी गया होगा वो, ठीक है. अब क्या कह रहे हैं, वो पानी आ कहां से रहा है, पाइप से. पाइप जो है वो कुछ स्क्वायर शेप का है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, विड्थ वाइड भी 20 सेंटीमीटर है और तो आपको कुछ दिया नहीं है, आपको स्पीड बतानी है, ठीक है. तो लेट कर लेते हैं, अच्छा स्क्वायर पाइप दिया गया है तो हम क्या कर लेते हैं, हमको आपको लेंथ और ब्रेथ, एक्चुअली लेंथ नहीं पता है, इसकी विड्थ पता है और इसकी हाइट पता है, इसकी विड्थ पता है और इसकी हाइट पता है. तो जो इसकी पाइप की जो विड्थ है
वो है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 by 100, यानी कि 1/5 मीटर. और जो इसकी हाइट है वो है 20 by, अगेन क्योंकि वो क्यूब स्क्वायर शेप का है, तो आ जाएगा ये अगेन 1/5 मीटर. लेकिन अब पानी की जो लेंथ है, मतलब पाइप की जो लेंथ है, वो नहीं पता है आपको, ठीक है? आपसे लेंथ पूछी भी नहीं गई है. तो हम क्या कर लेते हैं, हम स्पीड लेट कर लेते हैं. तो लेट स्पीड ऑफ वॉटर फ्लोइंग इन पाइप इज x किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड लेट कर लेते हैं, क्या कहते हो? तो 18 आवर्स में, अब देखो ये तो स्पीड है और टाइम वो दिया गया है, तो डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 18, है ना? तो ये हो गया 18x किलोमीटर पर आवर. लेकिन ये किलोमीटर है, अब आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ तो मीटर में है. तो हम इसको कर देते हैं 18,000x मीटर पर आवर. ये आ गई है आपकी, सॉरी मीटर पर आवर नहीं है, दिस इज नॉट द स्पीड एक्चुअली, दिस इज द डिस्टेंस. सो दिस इज, ये आपके पास आ गया है, क्लियर? किलोमीटर्स और 18,000x मीटर्स, ठीक है? अब आपके पास लेंथ भी आ चुकी है पाइप की, ठीक है? क्योंकि पाइप में यहां से पानी फ्लो हो रहा है 18 आवर्स में, तो जो पानी का लेंथ का फ्लो हुआ होगा वो ये आया होगा. तो अब जो वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ द वॉटर जब पाइप से फ्लो हुआ, जितना पानी फ्लो हुआ होगा वो हुआ होगा 18,000x × 1/5 × 1/5. और ये दोनों वॉल्यूम, क्योंकि जो पानी उस पाइप से फ्लो हुआ है वही पानी तो वाटर टैंक में पहुंचा है रिजर्वायर में, तो दोनों वॉल्यूम हो जाएंगे इक्वल. तो यहां से आ जाएगा 18,000x × 1/5 × 1/5 = 120 × 75 × 2.4. यहां से आपको बस x निकालना है क्योंकि स्पीड निकालनी है, क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो ये आ जाएगा 120 × 75 × 2.4 / 720. आ रही है आपकी x था किलोमीटर्स पर आर में, ठीक है? सो आ जाएगा 30 मीटर्स, आपने चेंज कर लिया था, हाँ x तो किलोमीटर्स पर आर में था, तो 30 किलोमीटर्स पर आर आ रहा है, 30 किलोमीटर्स पर आर आ रहा है स्पीड. क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रहा है? सो दिस इज द स्पीड. आई होप सबको ही समझ आ गया होगा 30 किलोमीटर्स पर आर कैसे आया है. सिंपल, हमने डायरेक्टली निकाला है, कन्वर्ट कर लिया है और कुछ भी नहीं किया है, वॉल्यूम को इक्वेट किया है ना, वॉल्यूम को ही तो इक्वेट किया है. समझ में आ गई बात? चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े क्या? सिंपल, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं समझ सकती हूँ. हमने क्या किया कि एक ऐसे समझो, एक पाइप है, उस पाइप से पानी जा रहा है, तो जितना पानी उस पाइप से गया है वही तो टैंक में पहुंचा है. अब टैंक में जो पानी पहुंचा है, टैंक की लेंथ और ब्रेथ तो दे रखी है, लेकिन हाइट क्या होगी, जितना लेवल तक वो पानी इंक्रीज हुआ है विड्थ, तो वो बन जाएगा ये वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वॉटर इन द टैंक जो उसमें 18 आवर्स में आया है, ठीक है? अब जब वो जो उसमें 18 आवर्स में आया है वो अगर वॉल्यूम ये है, तो वो वॉल्यूम आया कहां से होगा? वो वॉल्यूम आया तो पाइप से ही होगा. तो अब क्या करना है, पाइप के बारे में तो आपको विड्थ और, क्योंकि स्क्वायर की शेप का दिया है, तो उसकी हाइट जो होगी वही उसकी विड्थ होगी, लेकिन लेंथ क्या होगी? सो लेंथ के लिए आप निकाल लो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. सो आ जाएगा x, अगर आपने स्पीड को x किलोमीटर पर आर किया तो x इंटू 18 किलोमीटर, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपके पास 1800x मीटर्स. अब आपको इसको इक्वेट करा देना है और आपको यहां से x निकाल लेना है. समझ में आ गई बात? सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप सबको ही समझ आ गया होगा. सो सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के होमवर्क के लिए लिया है, इसको ट्राई करेंगे आप लोग. बहुत ही सिंपल है, वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करना. विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन, आई होप आप लोग कर ही लोगे इसको. तो ये एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए. तो आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे मेनली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस थे. सो एक ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, एक ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए. दिस इज अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो मुझे कराने की जरूरत वैसे भी नहीं है, बट हाँ स्टिल विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन. एक और क्वेश्चन ये है,
ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, अच्छा चार हैं, ओके टोटल फोर क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, इनको ट्राई करोगे आप लोग, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इनके डिस्कशन के साथ, है ना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन लाइफ कोड। बेटा ये जो क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं होते, तभी तो मैं बार बार कह रही हूं कि आपको एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। सो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूं, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। So we'll meet in the next session. Tab tak ke liye bye bye. Like and share our video. Share with the hashtag Life School Daily. Subscribe our channel and press the bell icon. We have these three channels. Support all the three channels. क्योंकि ये आपके लिए ही हैं, आप लोगों को हमें support करेंगे तो हमें और motivation मिलेगा. Okay? So मिलते हैं next session में. तब तक के लिए bye bye. See you.